तो उस स्टोरी की स्टार्टिंग में भी ये होता है कि रंजना आता है विभीषण को लेने के लिए। तो वही वंचिन ना उसको ना भी विभीषण को सौंप देता है, रंजना को उसके कपड़े पूरे दे देता है। फिर बोलता है कि बस तुम ना 1 वीक के लिए उसका ख्याल रखो, बोल के वो बोलता है। तो रंजना बोलता है कि ठीक है, पर विंग को क्या हुआ, क्या सीरियस है क्या, बोल के वो पूछता है। तो वंचिन बोलता है कि हाँ थोड़ा है पर ठीक हो जाएगा, बोल के वो बोलता है। तो लंजा बोलता है कि हाँ होप सो, बोल के वो बोलता है। तो अभी लंजा ना वीरशन को बोलता है कि चलो मेरे घर, बोल के बोलता है। तो वीरशन ने भी बोलता है कि तुम मेरे साथ मिलने क्यों नहीं आए इतने दिन, बोल के वो बोलता है। तो लंजा बोलता है कि मुझे ना काम था इसलिए, बोल के बोलता है। तो वीरशन बोलता है कि ठीक है पर तुम कॉल तो कर सकते थे ना मुझे, बोल के बोलता है। तो लंजा बोलता है कि मैंने करा था पर तुम्हारा फ़ोन ना स्विच ऑफ दिखा रहा था, बोल के बोलता है। तो विषय बोलता है कि हाँ मेरा फ़ोन ना ख़राब हो गया था, पानी में गिर गया था, वो बोल के बोलता है। तो लंजा बोलता है कि अच्छा तो तुमने क्यों कॉल नहीं किया, बोल के वो पूछता है। तो विषय ने भी बोलने लगते कि मैंने नंबर मांगा था वांगजिंग को तो उसने इसने दिया, बोल के उसको ना पॉइंटर करके दिखाता है। तो लंजा ना भी बोलता है कि मैंने बोल दिया तुम्हें, तो अभी तुम दोनों यहाँ से जाओ, बोल के वो बोलता है। क्योंकि यह ना वांगजिंग को ना हॉस्पिटल को जाने का था, विंग के साथ लेने खड़ा, यहाँ ना इन दोनों के बीच की लड़ाई देखने का नहीं है। तो इसलिए वो ना भी इन दोनों को ना भगा देता है, मीन्स भेज देता है। फिर उसके बाद ना वो ना हॉस्पिटल चल जाता है। लंजा ना भी वीरशन को ना अपने घर लेके जा रहा था कार में। तो यह ना वीरशन पूछने लगते कि क्या हम लोग क्या घूमने जाएंगे क्या, बोल के वो ना पूछ रहा था। तो लंजा बोलता है कि नहीं, मुझे ना बहुत सारा काम है, तो मैं ना तुम्हारे को अभी हर समय कभी भी तुम्हें मेरे घर लेके जाए तो मैं ना तुमको ना घुमाने लेके नहीं जा सकता हूँ, बोल के बोलता है। तो विशन ना मुँह बना लेता है, फिर बोलता है कि सभी लोग ना मुझसे बात करना बंद कर रहे हो, मुझको ना सभी लोग अकेले छोड़ दे रहे हो ना, ठीक है मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा, बोल के वो ना बैठ जाता है। तो वांग जिंग को नहीं सॉरी लंजा को ना समझ में नहीं आता कि अभी विभीषण को कैसे बनाया, उसको ना समझ में नहीं आता। तो लंजा को ना भी चॉकलेट का याद आता है, ने उसको दे के उसको मना लिया था तो उसको वही चीज़ याद आता है। तो वो ना एक चॉकलेट शॉप के पास रोकता है। तो विभीषण ने भी बोलता है कि तुमने इस यहाँ क्यों रोका, बोल के वो बोलता है। तो लंजा बोलता है कि तुम ना यही रुको, तुम ना कहाँ भी मत जाओ, बोल के बोलता है। तो विभीषण ना भर जाता है। फिर वो ना सोचने लगती कि मेरे चॉकलेट शॉप के पास रोक के मुझे कहीं भी मत जाओ, बोले तो मैं कैसे रह सकता हूँ, बल्कि वो ना ये चॉकलेट्स को देखने लगते हैं। वो ना भी परेशान हो रहा था कि उसको ना भी जाके वो ना टूट पड़ने का है, पर यह ना लंजा ने ना वार्निंग दे दिया कि नहीं जाना बाहर, बोल के। तो इसलिए वो ना मैं अंदर ही बैठ के वो ना चॉकलेट शॉप को देख रहा था। तो वो देखते हैं कि लंजा चॉकलेट शॉप में गया, बोल के। तो वो सोचते हैं कि मुझे मनाने का सोच रहा होगा, क्या मैं मान जाऊँ, नहीं मैं नहीं मानूंगा, बल्कि वो ना भी सोचने लगे। तो अभी लंजा ना भी आता है अंदर चॉकलेट बॉक्स लेके। तो विभीषण देखता है कि उसको देगा, बल्कि फिर वो सोचते हैं कि नहीं, मैं उसको ये चॉकलेट से मानने वाला नहीं हूँ, बल्कि वो ना भी बैठ जाता है। तो विभीषण को ना भी लंजा ना भी बॉक्स सामने करता है, फिर बोलता है कि ये लो मुझे माफ़ कर दो, मैं ना तुम्हें बाहर घुमाने लेने के नहीं जा सकता हूँ, बोल के बोलता है। तो विभीषण ने भी चॉकलेट बॉक्स को देखता है, फिर बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बॉक्स, बोल के बोलता है चॉकलेट बॉक्स। तो लंजा ना भी ठीक है, बोल के वो ना बैग को ना पीछे भेज देता है। तो यह ना विभीषण ने शौक हो गया था कि वो मनाएगा नहीं मुझे, वो चॉकलेट पीछे फेंक दिया तो मैं ले नहीं सकता हूँ क्या, बोल के वो ना सोच रहा था। फिर वो ना अभी लेने की कोशिश कर रहा है, तो लंजा बोलता है कि तुम मत लो, बोल के बोलता है। तो विभीषण अभी बैठ जाता है, फिर बोलता है कि ठीक है पर मुझे चाहिए वो चॉकलेट, बोल के बोलता है। तो लंजा बोलता है कि तुमने मना कर दिया है ना, तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहते हो ना, ठीक है तुम मत करो, वो चॉकलेट मैं ना किसी को दे दूंगा, बोल के बोलता है। तो विभीषण मुँह बना बड़ा कर लेता है, फिर बोलता है कि मुझे वो चॉकलेट चाहिए, बोल के वो बोलता है। तो लंजा बोलता है कि नहीं, बोल के वो बोलता है। फिर वो ना सोचने लगते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा क्रिंच दिख रहा है, बोल के वो ना सोच रहा था। तो विभीषण भी चॉकलेट बॉक्स को देखता है, फिर
लंजा को देख के बोलते हैं कि ठीक है मैंने माफ़ कर दिया, तुम मुझे मत लेके जाओ बाहर, पर मुझे वो चॉकलेट दो बोल के बोलता है। तो लंजना भी कार रोकता है, फिर बोलता है कि सची तुम मुझे माफ़ कर दिया के बोल के बोलता है। तो शम बोलता है कि हाँ पर मुझे ना वो चॉकलेट दो बोल के बोलता है। तो लंजना ठीक है बोल के वो ना कार को रोकता है, फिर वो ना पीछे जाके वो ना चॉकलेट को देता है। तो पियूषन अभी खुश हो जाता है, उन्हें अभी खोल के वो ना खाना शुरू कर देता है। तो लंजा बोलता है कि तुमने अभी खोल लिया क्या बोल के बोलता है। तो पियूषन बोलता है कि हाँ नहीं तो फिर तुम घर को जाने के बाद फिर तुम किसी को दे दिया तो बोल के वो ना अभी खोल के वो ना खाना शुरू कर देता है। तो ये ना पियूषन को ऐसे देख के ये ना लंजा को ना एक स्माइल आता है, फिर वो ना भी लेके जाता है घर। फिर उसके बाद ना वो ना बोलता है कि तुम ना भी ये एच रूम में सोंगे बोल के बोलता है। तो विषम बोलता है कि लेकिन क्यों, पहले तो मैं तुम्हारे साथ सोता था ना बोल के बोलता है। तो लंजा बोलता है कि हाँ पर अभी से ना तुम वाइट सोना पड़ेगा बोल के बोलता है। तो विषम भी ठीक है बोल के उसके कपड़े ना लेके वो ना भी अंदर जाने लगता है। तो यह ना लंजा सोचता है कि हाँ भी डिस्टेंस बनाना चाहिए बोल के वो सोचता है, क्योंकि यह ना भी वांग जिंग के साथ बात करने के बाद कि ओ विंग को तुमसे प्रॉब्लम है बोल के उसने बोलने के बाद से ना वो ना भी सोचने लगता है कि क्या मैं उसको ब्रदर के टाइप देखता हूँ तो भी विंग को ऐसा क्यों दिखता है बोल के वो ना सोच रहा था। तो यह ना भी लंजा को भी ना रियलाइज़ होने लगता है कि वो ना विभूषण को ना प्यार करने लग रहा है एज अ लवर नॉट हज ब्रदर बोल के। तो इसलिए वो ना भी विभूषण को ना थोड़ा धूरी रखना चाहता है, क्योंकि ये ना विंग को पसंद है तो अभी विंग को फोर्स नहीं कर सकते। तो विभूषण के साथ शादी करना है मुझे बोल के उसको ना फोर्स नहीं कर सकते विंग को, क्योंकि उसको मालूम है कि विंग ने विभूषण का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। उसके पेरेंट्स मर जाने के बाद से वो ना भी विभूषण का ना ख्याल रख रहा था। तो विंग के पास ना वो पूरे राइट्स है, मीन्स अभी उसका शादी किसके साथ करना चाहिए किसके साथ नहीं करना चाहिए उसको ना वो राइट्स है। तो इसलिए ना भी लंजा ना सोचते हैं कि ये भी विंग को पसंद ही नहीं हूँ मैं। तो ये ना विभूषण को प्यार करके फिर उसके बाद विंग मना कर दिया था, उसका दिल ना बहुत बुरी तरीके से टूट जाएगा, इसलिए वो ना भी सोच लेता है कि विभूषण से ना थोड़ा दूरी बनाएंगे बोल के। तो ये ना भी 2 डेज ना ऐसे चल जाते हैं। लंजा ने ना भी विभूषण को ना अभी टायर दे दिया था, उसको ना बोलता है कि तुम ना इसमें ना सीरीज देखो कुछ भी देखो मुझे ना भी बाहर जाने का बोल के वो ना बाहर चल जाता था। तो ये ना भी विभूषण भी ना भी लंजा के साथ रहता था, वो ना काम को नहीं जाता था। तो अभी वो ना भी घर में रह के वो ना टैब खोल के वो ना भी सीरीज ना देखने लगता है। तो यह ना 2 डेज ना ऐसे चल जाते। लंजा ने ना भी खाना बना के लगा देता है, एक एक बार ऑर्डर करके भी विभूषण को लेके खा लो बोल के वो बोलता है। तो ऐसे इस ना 2 डेज ना चल जाता है। अभी 3rd डे में ना भी विभूषण ने भी बहुत ज़्यादा फ़ोन में ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से देख रहा था। तो लंजा पूछते कि तुम क्या देख रहे हो इतना ज़्यादा बोल के वो बोलता है। तो विभूषण ना छुपाने लगता है, फिर बोलता है कि कुछ नहीं बोल के बोलता है। तो ये ना लंजा को ना कुछ समझ भी नहीं आता कि वो क्या देख रहा है बोल के। तो वो भी ना भी पूछता नहीं, फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ तुम खाना ठीक से खा लेना बोल के बोलता है। तो विभूषण बोलता है कि हाँ हाँ तुम जाओ बोल के वो बोलता है। फिर वो जाने के बाद इसने उन्हें भी फ़ोन पर ना सामने लगा के उन्हें दिखने लगता है। वो दिखते हुए उसको ना पूछते पसीने आ जाते, उसको ना कुछ समझ में नहीं आया था कि वो टैब में क्या चल रहा है, उसको ना कुछ भी समझ में नहीं आया था। पर वो ना हटाना भी नहीं चाह रहा था, उसको ना देखना चाह रहा था। तो वो ना भी छुप छुप के उसको ना देखने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो भी वो ना भी देखता है, पूरा देखता है, उसको ना भी बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, उसको ना देखने का मन होता है कि आगे क्या होगा बोल के वो ना देख रहा था। तो यह ना विभूषण ना कुछ अडल्ट मूवीज देख रहा था, तो वो एक सीन चल रहा था तो उसका रिएक्शन ऐसा था। वो देखते समय भी ना उसका फेरोमोन्स ना पूरा रूम में ना फैल जाते हैं। तो ये ना भी अर्लन है ना थोड़ी जल्दी आ जाते हैं। तो वो ना भी आने के बाद इसने विभूषण ना भी
टैब को ना छुपा लेता है। फिर वो बोलता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए, बोल के वो पूछता है। तो लंजा पूछता है कि क्या मैं नहीं आ सकता हूँ क्या, बोल के वो पूछता है। तो विशम बोलता है कि हाँ पर तुम इतनी जल्दी नहीं आ रहे थे ना 2 दिन से, बोल के बोलता है। तो लंजा बोलता है कि हाँ मुझे ना थोड़ा काम था पर आज थोड़ा जल्दी हो गया, बोल के बोलता है। तो विशम बोलता है कि अच्छा तो क्या हम लोग खेलेंगे क्या, बोल के बोलता है। तो लंजा पूछता है कि क्या खेलेंगे, बोल के पूछता है। तो विशम बोलता है कि लूडो खेलेंगे, बोल के बोलता है। तो लंदन ना बोलता है कि ठीक है पर थोड़ी देर, बोल के बोलता है। तो विशन ना हाँ बोलता है। तो ये ना विशन को ना लंदना भेज देता है कि तुम ना जाके पूरे अरेंजमेंट करो, तब तक मैं फ्रेश होके आ जाऊँगा, बोल के वो ना अंदर जाता है। फिर अंदर जाने के बाद इसने वो ना कुछ टैबलेट्स लेता है, क्योंकि यह ना भी लंदा के ना रेड टाइम आ रहा था, तो वो ना भी इसलिए घर चले आ गया था। पर उसको आने के बाद उसको याद आती है कि विभीषण घर में है, बोल के। तो भी विभीषण को उसको ना कैसे भी करके उसको ना सुलाना चाहता था। तो वो ना थोड़ी देर खेल के फिर उसके बाद खाना खिलाने के बाद इसने वो ना विभीषण को ना सो जाने के लिए खेलने वाला था। तो वो ना भी टैबलेट ले लेता है, वो फ्रेशअप होके वो ना आता है बाहर। तो ये ना विभीषण ने ना भी अच्छे से सेटअप कर दिया था। फिर लंजा को बुलाता है कि चलो चलो आओ खेलो, बोल के वो बोलता है। तो ये ना लंजा ना आता है खेलने के लिए, पर उसको आने के बैठ के खेलते समय इसको ना भी बहुत ज़्यादा अजीब फील होने लगता है, क्योंकि उसको ना भी विभीषण के फेरोमोन्स ना फील हो रहे थे, पूरे रूम में ना उसके फेरोमोन्स थे। तो ये ना भी लंजा ना कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सक रहा था। तो वो ना भी विभीषण को बोलता है कि तुम ना अपने रूम में जाओ, बोल के बोलते हैं। तो विभीषण बोलता है कि लेकिन क्यों, तुम खेलने वाले थे ना, तुमने आधा ही खेला, बोल के बोलते हैं। तो लंजा बोलता है कि हाँ हाँ तुम ना अंदर जाके तुम कुछ देख रहे थे ना, तुम वो देख लो, बोल के बोलते हैं। तो विभीषण ने भी लंजा को देखते हैं, फिर बोलते हैं कि क्या तुम खेलोगे नहीं क्या, बोल के पूछते हैं। तो लंजा बोलता है कि नहीं खेलूँगा, तुम ना भी यहाँ से जाओ, बोल के वो ना बोलते हैं। तो विभीषण ना उठ के वो बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, बोल के वो ना उठ के वो ना रूम में चल जाता है। फिर वो ना रूम में जाके मूवी देखने लगता है फिर से। तो यहाँ बाहर ना भी लंजा ना अपने रूम में चल जाता है, डोर को लॉक करके वो ना भी उसकी बॉडी को ना रिलैक्स करने लगता है। आप समझ सकते हो कैसे वो बॉडी को ना रिलैक्स करने लगता है। फिर उसके बाद ना भी बहुत टाइम हो जाता है, तो भी लंजा ना टाइम देखता है, तो वो ना 9 ऐसा हो रहा था। तो उसको याद आता है कि उसको ना भी कुछ खाए या ना खाए कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर विभीषण को कुछ ना कुछ चाहिए ना खाने के लिए, बोलिए वो सोचता है। फिर वो ना कुछ ऑर्डर कर देता है खाने के लिए। फिर उसके बाद ना भी ऑर्डर ना आ जाता है, तो लंजा ना भी कंट्रोल करते हुए भी जाता है बाहर, ऑर्डर को ले लेता है। फिर वो ना भी टेबल के पास लगाते हैं, उसको ना समझ में नहीं आया था, उसको ना ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, पर उसको ना भी केयर करने का है विभीषण को, उसने जिम्मेदारी लिया है तो वो निभाना पड़ेगा, बोल के वो ना भी टेबल के ऊपर लगाता है। फिर वो ना भी विभीषण को ना जाके बुलाने के लिए वो जाता है रूम के पास। तो ये ना विभीषण के कमरे में जाने के वो ना खुलने के बाद इसने उसके विभीषण के पूरे फेरोमोन्स ना उसके रूम में ना बहुत बुरे तरीके से फैल से थे। तो ये ना लंजना भी नाक बंद कर लेता है, फिर बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो अंदर, बोल के बोलता है। तो फिर शन भी लंजा को देखता है, फिर वो ना टैप को ना नीचे कर देता है, फिर बोलता है कि कुछ नहीं, बोल के बोलता है। तो लंजा ना ठीक है, बल्कि अभी विभीषण के पास ना जा रहा था, तो विभीषण ना पूछने लगता है कि क्या हुआ, बल्कि वो ना पूछ रहा था। तो ये ना भी लंजा ना बेड के पास जाने के बाद इसने वो ना भी टैब लेता है, फिर वो देखता है कि इसने क्या देख रहे हो, तुम्हारे इतने फेमस क्यों रिलीज हो रहे, बोल के वो ना भी देखता है। तो देखने के बाद इस वो ना शौक के विभीषण को देखते हैं। तो विभीषण ने वो ना टैब को ना लेके पीछे कर लेता है, फिर बोलता है कि तुम ऐसे क्यों आ गए मेरे रूम में, तुम यहाँ से जाओ, बोल के वो बोलता है। तो लंजा पूछते कि तुम क्या देख रहे थे, बोल के वो बोलता है। तो विभीषण बोलता है कि कुछ नहीं, बोल के वो बोलता है। तो लंजा को ना गुस्सा था, क्योंकि वह ना भी उसके घर में रह के ये गलत चीज़ें सीख रहा है, मीन्स गलत नहीं है पर अभी छोटे बच्चों के लिए वो गलत ही रहेगा ना। तो वो ना भी क्या सीख रहा है, बल्कि वो ना सोचता है। फिर वो ना बोलता है कि तुम मुझे मेरा टैब दो, बल्कि बोलता है। तो
व्यूशन ने बोलने लगते कि पर तुमने बोला है ना कि मैं यहाँ रहने तक यूज़ कर सकता हूँ बोल के वो बोलता है। तो रंजना चिल्लाते कि तुम मुझे ना वो टैब दो बोल के वो बोलता है। तो व्यूशन ने डरने लगते फिर बोलते कि नहीं दूंगा बोल के वो ना पीछे पीछे होने लगते हैं कि वो या ना भी रंजना व्यूशन के पास से वो ना खींच लेता है किसी तरह। तो व्यूशन ने शौक हो जाता है कि उसने कैसा खींच लिया उसके हाथ में कैसा है बोल के वो ना शौक हो जाता है। फिर वो ना लेना चाह रहा था कि मुझे ये टैब दो बोल के वो ना चिल्लाने लगता है। तो भी रंजना टैब को ना ऊपर कर देता है। फिर वो ना चिल्लाता है कि तुम ऐसे वीडियोज़ क्यों देख रहे हो बोल के वो ना चिल्लाता है। तो व्यूशन बोलता है कि मैं नहीं देख रहा था वो आ गया बोल के बोलता है। तो रंजना बोलता है कि तो तुम स्किप कर सकते हो ना बोल के बोलता है। तो व्यूशन अभी बोलने लगते कि अच्छा ठीक है मुझे वो टैब दो बोल के वो ना बोलने लगते हैं। तो यह ना रंजना ने ना आने से पहले उसने ना टैबलेट ले लिया था कि व्यूशन के पास जाने के बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो गए बोल के। पर यह ना अभी उसके कमरे में वो टाइम से रह रहा बोल के उसका ना कंट्रोल ना जा रहा था। तो वो ना भी व्यूशन का ना बेड के ऊपर फेंक देता है। तो बेड के ऊपर फेंकने के बाद वो चिल्लाता है कि तुम ये क्या करो मुझे वो टैब दो बोल के वो बोलता है। तो रंजना वो टैब को ना बाजू में लगा देता है फिर व्यूशन के ऊपर ना छिड़ देता है। तो व्यूशन बोलता है कि तुम क्या करो बोल के वो बोलता है क्योंकि यह ना रंजना के आईज ना बहुत ज़्यादा डेंजर दिख रहे थे मीन्स वो ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो उसको ना कोई भी होश नहीं है कि वो क्या कर रहा है बोल के। तो यह ना भी व्यूशन भी रंजना को ऐसे देखने के बाद वो ना बहुत ज़्यादा डर जाता है कि सडनली रंजना को क्या हुआ बोल के तुम्हें क्या हुआ तुम इतने डरावने क्यों दिख रहे हो मेरे ऊपर से उठो बोल के वो ना बोलने लगते हैं। तो रंजना भी व्यूशन के ना बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। तो व्यूशन ने भी बोलता है कि क्या कर रहे हो बोल के वो बोलता है। तो रंजना बोलता है कि तुम ऐसे वाले वीडियोस देख रहे हो तो तुम्हें पसंद आ रहा है क्या बोल के वो पूछता है। तो व्यूशन ने डरते हुए ना सर ना हाँ में हिलाता है। तो रंजना बोलता है कि अच्छा तुम्हें वो पसंद आ रहा है तो तुम्हें तुम्हें ना लाइफ में एक्सपीरियंस करने कर आऊँगा बोल के वो बोलता है। तो व्यूशन पूछता है कि क्या बोल रहे हो तुम बोल के बोलता है। तो रंजना बोलता है कि एकदम चुप बोल के बोलता है। तो व्यूशन ना चुप हो जाता है फिर वो ना भी रंजना को ना दिखने लगते हैं। तो रंजना ना भी व्यूशन के ना टी शर्ट के बटन्स ना पूरे खोल रहा था। तो व्यूशन ने भी कवर करने लगते हैं फिर बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो तुम मेरे ऊपर से हटाओ बोल के वो ना हटाने लगता है। तो व्यूशन बोलता है कि तुम ना एकदम चुप रहो तुम्हें ना देखने से ज़्यादा महसूस करने में ज़्यादा मज़ा आएगा बोल के बोलता है। तो व्यूशन ने भी बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए बोल के वो ना उठने लगता है। तो रंजना ने भी उसको ना गिरा देता है बेड के ऊपर फिर से। फिर बोलता है कि तुम ना इतना ज़्यादा डरो मत तुम्हें ना थोड़ी देर के बाद ना बहुत अच्छा दिखेगा बोल के वो बोलता है। तो व्यूशन ने भी बहुत अंदर डरने लगता है फिर बोलता है कि नहीं तुम मुझसे क्या करा रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम मेरे ऊपर से हटो बोल के वो ना बोलने लगता है। तो रंजना बोलता है कि तुम ना एकदम चुप रहो बोल के बोलता है। तो व्यूशन बोलता है कि नहीं नहीं तुम मेरे ऊपर से हटो मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे ना बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है तुम यहाँ से हटो बोल के बोलता है। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर बाय।